लापरवाहियों की शिकायतें बहुत आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर भी देखा तो बहुत लापरवाही है, क्योंकि जो स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरा फॉलो नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो जिस कंसेशंस दिए हैं, जितनी छूट दी हैं, उसका फ़ायदा सीधा का सीधा नागरिकों को मिलना चाहिए, लेकिन वो जितना जो है वो उसका जितना हम आशा रखते थे कि भाई इतना होगा, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारी लापरवाहियाँ जो है ये स्टाफ की, नगर निगम के जो स्टाफ है उसके द्वारा की जा रही हैं सारी की सारी। 36 दिन में कुल मिला करके इन्होंने कुल मिला के 70-75 पट्टे बांटे हैं। चार पाँच का एवरेज आता है, तीन चार का एवरेज आता है, ये कोई एवरेज है क्या? तो इसीलिए आज हमने जो है यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको तो जोन बदलने के लिए हमने लिखा है, कह दिया है इसको जोन बदला जाए, किशन पोल से यहाँ से हटाया जाए। और दूसरा ये कि एक JN है उसको सस्पेंड किया, 16 CC का नोटिस दे करके सस्पेंड किया है। इसी तरीके से एक जो आपके ये रेवेन्यू ऑफिसर है लेडी, सर क्या नाम है, सरोज पारी, उसको जो उसका ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र करके उसको वहाँ पर भेजा है, सिरोही भेजा है। और एक JN है उसको सस्पेंड किया है। इसी के दो जो क्लर्क थे, एक तो सहायक था कोई महावर, और एक शशि ठठेरा, उसको भी सस्पेंड किया है, 16 CC का नोटिस दिया, क्योंकि उसने तो पत्रावली गायब कर रखी है। यहाँ देखते हैं तो कई लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारी पत्रावली नहीं मिल रही। जब हमने अधिकारियों से पूछा, यहाँ के स्टाफ से पूछा कि भाई पत्रावली कहाँ है, तो हम 2 घंटे 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पत्रावली गायब है, स्टोर कीपर भी गायब है। तो इस तरीके की लापरवाहियाँ हैं, ये लापरवाहियों के वजह से जो है ये एक्शन लेना पड़ा है। सर, आपके आने के बाद कुछ पट्टे भी जारी किए सर आपने मौके पर बैठ करके किए? वो तो पट्टे रख रखे थे इन्होंने, बांट ही नहीं रहते, आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, बांटते ही नहीं थे ये। तो ये हमारे MLA साहब आए, अमीन काग जी आकर के बटवाए। अच्छा सर, ये बताइए कि राजस्थान के तमाम निकायों के अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहती है सरकार? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि सरकार कड़ाई से पेश आएगी। यदि अगर मान लीजिए इस अभियान में लापरवाही कहीं पर भी दिखाई गई, तो इसी प्रकार से जैसे औचक निरीक्षण आज हुआ है, हर जगह औचक निरीक्षण होगा, और कुछ न कुछ हाथ उनको जो है सस्पेंड किया जाएगा, जो लापरवाह है सस्पेंड किया जाएगा। फाइलों पर मौका मुआयना को लेकर के लगातार लिखा जा रहा है, जबकि आप लोगों ने सख्त निर्देश दिया है कि मौका मुआयना नहीं करना है। मौका मुआयना कई चीज़ों में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि सब में नहीं है ज़रूरी, कई चीज़ों में नहीं है ज़रूरी। जैसे नाम हस्तांतरण है, उपविभाजन है, पुनर्गठन है, इनमें कहीं ज़रूरी नहीं है। और किसी में मान लीजिए अगर कोई विवाद आता है तो फिर मौका देखा जाता है, और हर चीज़ में मौका नहीं देखा जाएगा। सर, अभियान में लापरवाह जो अफसर उनके खिलाफ कार्रवाई और भी करेगी? हो रही है ना कार्रवाई, आज ही देख ले, 4 आदमी किए हैं सस्पेंड, चार यहाँ के किए हैं, 11 IO को नोटिस भी दिया है। 11 IO लापरवाही चले तो अपन 10 लाख का लक्ष्य हासिल कर लेंगे क्या? निश्चित तौर पर करेंगे 10 लाख हासिल, उसी के लिए सब कुछ तैयारी है। शुरू शुरू में ऐसी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को जो है कड़ाई से जो है क्या नाम है उसको मजबूती के साथ उसको जो है वो ठीक किया जाएगा।